विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम्पल है स्क्वेयर रूट 15 प्लस स्क्वेयर रूट 21 प्लस स्क्वेयर रूट 35 प्लस 5, ये न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में रूट 3 प्लस 2 टाइम्स रूट 5 प्लस रूट 7 है। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, हमें इसे निकालना है, राइट। सपोज इस इक्वल्स एक्स समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स क्या आ रहा है, एक्स इक्वल्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमीटर। यहाँ पर न्यूमरेटर में रूट 15 प्लस रूट 21 प्लस रूट 35 प्लस 5 है, डिनोमीटर क्या है, रूट 3 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 7 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में है वो नोट डाउन कर लेंगे, वो सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर इक्वल्स स्क्वेयर रूट 15 प्लस स्क्वेयर रूट 21 प्लस स्क्वेयर रूट 35 प्लस 5 है। तो इस स्क्वेयर रूट 15 को स्क्वेयर रूट 3 इंटू स्क्वेयर रूट 5 हम लिख सकते हैं, और स्क्वेयर रूट 21 को स्क्वेयर रूट 3 इंटू स्क्वेयर रूट 7 लिखेंगे, और रूट 35 को स्क्वेयर रूट 5 इंटू स्क्वेयर रूट 7 लिख सकते हैं, और ये प्लस 5 को रूट 5 इंटू रूट 5 हम लिख सकते हैं। रूट 5 इंटू रूट 5 मीन्स 5 बनते हैं। तो इन दोनों में देखो, रूट 3 इसमें भी है, रूट 3 इसमें भी है, तो रूट 3 कॉमन ले लेंगे। इसमें स्क्वेयर रूट अगर 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 7 रिमेनिंग रहेगा, और इनमें अगर रूट 5 दोनों में है तो स्क्वेयर रूट 5 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर स्क्वेयर रूट 7 प्लस स्क्वेयर रूट 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर रीअरेंज करेंगे, लिखे सो उस रूट 3 टाइम्स स्क्वेयर रूट 5 प्लस स्क्वेयर रूट 7 प्लस स्क्वेयर रूट 5 टाइम्स, ये रूट 5 पहले लिख लेंगे, बाद में ये रूट 7 लिख लेंगे। तो ये दोनों में रूट 5 प्लस रूट 7 है, तो रूट 5 प्लस रूट 7 कॉमन ले लेंगे हम, स्क्वेयर रूट 5 प्लस स्क्वेयर रूट 7। तो अगर कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग रहेगा हमारे पास रूट 3 प्लस ये रूट 5, क्योंकि दोनों के टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है। इसका न्यूमरेटर इसका सिंप्लीफाइड का फॉर्म आ गया, रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। तो ये सब चेंजेस करेंगे, ये पहले लिख लेंगे रूट 3 इंटू रूट 5 टाइम्स ये रूट 5 प्लस रूट 7 बाद में लिख लेंगे। ये हो गया न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर की जगह में मैं यहाँ पर एक्स इक्वल्स न्यूमरेटर की जगह में ये पुट करूँगा, पहले सबसे पहले स्क्वेयर रूट 3 प्लस स्क्वेयर रूट 5 टाइम्स स्क्वेयर रूट 5 प्लस स्क्वेयर रूट 7, राइट, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर। अभी यहाँ पर न्यूमरेटर निकाल दिया हमने, डिनोमीटर में देखेंगे डिनोमीटर क्या होता है। डिनोमीटर इक्वल्स क्या है, स्क्वेयर रूट 3 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 7 है, राइट। इसे मैं रूट 3 एज यूजुअल पुट करेंगे, प्लस ये जो भाग है 2 रूट 2, इसे मैं रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 करेंगे, 1 रूट 5 प्लस 1 रूट 5 मीन्स 2 रूट 5 ही होते हैं, इन दोनों का समेशन 2 रूट 5 ही बनते हैं। तो ये प्लस रूट 7 एज यूजुअल, तो हम इसे अगर बीच में ब्रैकेट डाल दिया तो रूट 3 प्लस ये रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में रूट 5 प्लस रूट 7 हो जाएगा, राइट। तो डिनोमीटर क्या आ रहा है, यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7। तो मैं यहाँ पर डिनोमीटर में लिखता हूँ रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7, ठीक है। रूट 3 प्लस रूट 5 न्यूमरेटर में है, रूट 5 प्लस रूट 7 है, यहाँ नीचे क्या है रूट 3 प्लस रूट 5 है, यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 7 है। यानी अगर रूट 3 प्लस रूट 5 को अगर हम ए मान लिया, रूट 5 प्लस रूट 7 को अगर बी मान लिया, तो ए इंटू बी बनेगा ये, और रूट 3 प्लस रूट 5 यहाँ पर तो ए हो गया, और ये प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 ये तो बी हो गया। इसका मतलब एक्स इक्वल्स क्या आ रहा है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ पर ए इक्वल्स क्या है, स्क्वेयर रूट 3 प्लस स्क्वेयर रूट 5, और बी क्या है, स्क्वेयर रूट 5 प्लस स्क्वेयर रूट 7, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हो गए, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी हो गया। इसे हम अगर फ्लिप किया तो 1 बाई एक्स हो जाता है ये, और ये क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी बनते हैं। तो यहाँ पर 1 बाई एक्स इक्वल्स क्या आ रहे हैं, ए डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बाई बी रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर बी कट हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई ए रिमेनिंग रहेगा।
वन बाई एक्स इक्वल्स वन बाई बी प्लस वन बाई ए, इसे इक्वेशन नंबर हम टू वन कहेंगे। और मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ, वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई बी प्लस वन बाई ए, इक्वेशन नंबर वन। तो हमें वन बाई एक्स का वैल्यू वन बाई बी प्लस वन बाई ए हो गया, तो बी इज रूट फाइव प्लस रूट सेवन है और ये क्या है रूट थ्री प्लस रूट फाइव, वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले वन बाई बी निकालेंगे, तो यहाँ पर लेंगे वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई बी इज स्क्वायर रूट फाइव प्लस स्क्वायर रूट सेवन, ठीक है। तो वन डिवाइडेड बाई रूट फाइव प्लस रूट सेवन है, तो यहाँ पर रैशनल है डिनोमीटर में, इसे अगर रैशनल डिनोमीटर किया तो ये रूट फाइव प्लस रूट सेवन का कॉन्जुगेट क्या है, रूट फाइव माइनस रूट सेवन होता है, राइट। उससे मल्टीप्लिकेशन और कॉन्जुगेट नंबर से डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों कर दो, तो वन बाई बी ऊपर क्या आता है वन टाइम्स रूट फाइव माइनस रूट सेवन डिवाइडेड बाई रूट फाइव प्लस रूट सेवन इंटू रूट फाइव माइनस रूट सेवन माइनस अब ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टू ए माइनस बी के जैसा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ए स्क्वायर इज रूट फाइव होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज रूट सेवन होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी के जैसा है, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। यहाँ पर ए स्क्वायर इज ए इज रूट फाइव है, बी इज रूट सेवन है, राइट। तो वन बाई बी इज इक्वल क्या आ रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर वन टाइम्स रूट फाइव माइनस रूट सेवन को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो न्यूमरेटर में रूट फाइव माइनस रूट सेवन सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है रूट फाइव होल स्क्वायर मीन्स यहाँ दोनों कट हो जाएगा, ओनली फाइव रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर दोनों कट हो जाएगा सेवन रिमेनिंग रहेगा। तो इक्वल्स वन बाई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फाइव माइनस स्क्वायर रूट सेवन डिवाइडेड बाई फाइव माइनस टू मीन्स फाइव माइनस सेवन मीन्स नेगेटिव टू आते हैं। अगर हमें इसे माइनस साइन निकालना है तो इसको माइनस वन से और माइनस वन से न्यूमरेटर डिनोमीटर में मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब इसका वैल्यू क्या आता है माइनस वन इंटू रूट फाइव मीन्स माइनस में आ जाता है, माइनस टाइम्स रूट सेवन मीन्स ये पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट सेवन पॉजिटिव आ जाएगा, स्क्वायर रूट बाद में स्क्वायर रूट फाइव माइनस आ जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस वन मीन्स प्लस टू आ जाएगा, वन बाई बी इक्वल्स रूट सेवन माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। यानी वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेवन माइनस स्क्वायर रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो अभी हम वन बाई ए निकालेंगे, वन डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई ए इज रूट थ्री प्लस रूट फाइव। अगर इसका रैशनलाइज डिनोमीटर किया तो रूट थ्री माइनस रूट फाइव, कॉन्जुगेट ऑफ रूट थ्री प्लस रूट फाइव रूट थ्री माइनस रूट फाइव, और रूट थ्री माइनस रूट फाइव से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तो वन बाई ए इक्वल्स रूट थ्री माइनस रूट फाइव टाइम्स वन है, तो वन लिखे तो भी चलता है नहीं लिखे तो भी चलता है, डिवाइडेड बाई अगेन यहाँ पर रूट थ्री प्लस रूट फाइव रूट थ्री माइनस रूट फाइव का मल्टीप्लिकेशन है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वन बाई ए इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फाइव, तो यहाँ पर वन बाई ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री माइनस स्क्वायर रूट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फाइव मीन्स माइनस टू आते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर भी माइनस वन से अगर माइनस वन से अगर डिवाइड किया तो वन बाई ए इक्वल्स यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइव माइनस स्क्वायर रूट थ्री आ जाएगा, ऊपर माइनस वन से रूट थ्री को माइनस किया तो माइनस रूट थ्री आ गया, माइनस रूट फाइव इंटू माइनस वन मीन्स प्लस रूट फाइव आ गया डिवाइडेड बाई माइनस रूट टू इंटू माइनस वन मीन्स प्लस टू। तो ये वन बाई ए यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, वन बाई ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फाइव माइनस स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई ए बी टू आ जाए। तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन वन नंबर इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो हमें जो वैल्यू आता है वो हम चेक करेंगे। इक्वेशन नंबर वन क्या है, वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई बी, वन बाई बी मीन्स रूट सेवन माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू और प्लस इक्वेशन वन बाई ए क्या है, वन बाई ए रूट फाइव माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, राइट। तो दोनों में रूट टू कॉमन है तो एलसीएम सॉरी दोनों में टू टू ही है तो सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर क्या आएगा रूट सेवन माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव माइनस रूट थ्री आ जाएगा,
डिवाइडेड बाई यहाँ पर तो टू है, तो प्लस रूट फाइव और माइनस रूट फाइव ये दोनों अपने आप में कट हो जा रहा है, तो वन बाई एक्स हमें क्या मिल रहे हैं, रूट सेवन माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, राइट। तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए ना यहाँ पर, ये इसका जो सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू क्या है, एक्स दिया है तो हमें तो एक्स का वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो ये वन बाई एक्स है, इसको फ्लिप कर दो। अगर x को फ्लिप किया तो x इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट सेवन माइनस स्क्वायर रूट थ्री रहेगा, ठीक है। तो और एक बार लिख लेंगे, x इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट सेवन माइनस स्क्वायर रूट थ्री। अगेन यहाँ पर रैशनलाइज डिनोमीटर में रैशनलाइज नंबर आया, तो अगर इसे निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट सेवन प्लस स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करो, क्योंकि स्क्वायर रूट सेवन प्लस स्क्वायर रूट थ्री क्या है, इसका कॉन्जुगेट नंबर है रूट सेवन माइनस रूट थ्री का। तब ये एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, टू टाइम्स स्क्वायर रूट सेवन प्लस स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट सेवन होल स्क्वायर स्क्वायर रूट सेवन होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर, ठीक। तो एक्स इक्वल्स टू टाइम्स रूट सेवन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट सेवन होल स्क्वायर मीन्स सेवन बनते हैं माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर थ्री बनता है, राइट। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू टाइम्स स्क्वायर रूट सेवन प्लस स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई सेवन माइनस थ्री मीन्स फोर बनता है, तो यहाँ पर फोर को यहाँ पर डिवाइड कर दो, फिर टू वन जर टू 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 जर फोर, यानी एक्स का वैल्यू हमें मिल रहे हैं रूट सेवन वन टाइम्स रूट सेवन प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू, यानी ये रूट थ्री स्मॉलर है दोनों में, तो वो पहले लिख लेंगे रूट सेवन बाद में लिख लेंगे डिवाइडेड बाई यहाँ पर टू। तो ये हो गया इस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।